रहीम, तमाम ख़वातीन व हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमने जो है वो ब्लॉक एम में गो रियल इस्टेट की सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेंगलोर की कंस्ट्रक्शन का इफ्तिताह किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी बिल्कुल, ब्लॉक एम के अंदर नया नाजमाबाद ब्लॉक एम के अंदर घर बनने की परमिशन दे दी गई है। कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अब अभी प्लॉट ख़रीदें और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल एक नया इनिशिएट इन्होंने एक इनिशिएट ले लिया है, शुरू कर लिया इस चीज़ के लिए कि अब कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने घर की आप लोग ब्लॉक एम के अंदर। उसका क्राइटेरिया है, प्रोसेस है। पहली बात ये कि देखें, अभी इन्होंने शुरू से अपने वीडियो में शुरू में देखा है, जो समद हबीब साहब हैं ये नया नाजमाबाद के CEO हैं, ये जो हमारे गनी उस्मान जो कि यहाँ के शेयर होल्डर्स भी हैं नया नाजमाबाद के और रियल इस्टेट भी है, इन्होंने शुरू किए, ये इनिशिएट लिया है घर बनाने का, शुरू किए। इनकी जो अपने प्लॉट्स थे यहाँ पे, वहीं पे ये वो घर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अभी बाकायदा लोगों को इस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं कि वो अपने प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले अगर आपका प्लॉट है, प्लॉट के अगर आप लोगों ने जो डेवलपमेंट चार्जेस थी वो पे कर दी, उसके बाद उसकी अब आप लोगों ने जो उसकी फर्दर चीज़ें हैं वो पे करनी है, जैसे लीज़ है, लीज़ के पैसे पे करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने लीज़ के बाद मैप के पैसे पे करने हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट रखवानी पड़ती है वो रखवाएंगे। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अभी के इलेक्ट्रिक का मुझे मालूम नहीं है कि के इलेक्ट्रिक के पैसे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्योंकि अभी वहाँ पे के इलेक्ट्रिक उस तरह आई तो नहीं है, लेकिन अगर वो अभी ले रहे हैं तो उसके भी अगर 120 गज़ का हैं वहाँ पे, वापस सारे 120 गज़ हैं, 120 गज़ के जो वैसे जो यहाँ ले रहे हैं जो डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ पर ले रहे हैं तो वहाँ पर 4 लाख हैं। अब पता नहीं कि वहाँ पर क्या होंगे, क्या चार्जेस होंगे के इलेक्ट्रिक के, क्योंकि अभी तक के इलेक्ट्रिक के चार्जेस का नहीं पता। अभी सिर्फ ये पता है कि लीज़ के पैसे और मैप के पैसे होंगे, इसके बाद डिपॉजिट कराएं जब कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाओगे तो उसके पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, डिपॉजिट रखवाने पड़ते हैं। आई थिंक से 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक का डिपॉजिट होता है जो आपको रखवाना पड़ता है आपको घर बनाने से पहले। जब ना आप घर कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद वो डिपॉजिट आप वापस ले सकते हो, वो भी आके पहले देखेंगे कि आपने कुछ बाहर डैमेज तो नहीं किया रोड वगैरह, तो उसके बाद वो पैसे वापस होते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता दूँ कि जो लीज़ है, लीज़ के पैसे भी इसके आप लोग को पे करने पड़ेंगे। आई थिंक सो वो भी कुछ 1.5-2 के दरमियान कुछ होंगे लीज़ के पैसे आप लोग को पे करने को। उसके बाद जो मैप के हैं, मैप के पैसे भी 1.5-2 के अंदर मैप के पैसे जो आप लोग को पे करने पड़ेंगे, लीज़ के ही 1.5-2 या 2.5 होंगे जो आपको पे करने पड़ेंगे। ये अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप लोग फर्दर डिटेल पर जाओगे, जो आप लोग को चीज़ें बताई जाएंगी उस पर जाओगे, फिर आप घर बना सकते हो। तो बिल्कुल जो लोग भी इंटरेस्टेड हो प्लॉट लेने के हवाले से वो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और प्लॉट लेने के बाद आप लोग को सब चीज़ें पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले इनके डेवलपर इन्होंने पोजीशन दी थी, तो पोजीशन के बाद इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लिए थे सबसे, तो डेवलपमेंट चार्जेस जिन लोगों ने पे कर दिए होंगे वो फर्दर इसी से पे करेंगे अगर उन लोगों को घर बनाना है। तो आप प्लॉट लेके घर बना सकते हैं। ये बहुत वेटिंग सबसे ज़्यादा जो वेटिंग एक न्यूज़ थी ये थी कि यहाँ पर घर कब बनना शुरू होंगे, तो फाइनली वो इन्होंने कर दिए। ये अनाउंस जो हुई थी वो ये 4 नवंबर 2023 को अनाउंस किया, लास्ट मंथ अभी दिसंबर शुरू हो गया है, तो इन्होंने लास्ट मंथ 4 नवंबर को अनाउंस किया था ये सब चीज़ें कि हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फर्दर इन्होंने अभी कुछ काम किया नहीं है वहाँ पे, सिर्फ अनाउंसमेंट की थी। और उन्होंने हल्का सा अपने जो उनके प्लॉट्स थे गो गनी उस्मान इस्टेट्स के, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर इफ्तिताह किया कि हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, लेकिन अब तक कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बात की। लेकिन जो भी आप प्लॉट जो लेना चाह रहे हैं या वहाँ पर घर बनाना चाह रहे हैं तो ऑफिस जाएंगे, उनको फर्दर सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, लीज़ के हो गए, मैप के जो भी पैसे हैं उनको पे करने पड़ेंगे, उसके बाद वो फर्दर आप घर की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि सब आप लोग को एक मेन न्यूज़ थी जो देनी थी कि आप वहाँ पर घर बना सकते हैं गनी उस्मान गो के साथ, नया नाजमाबाद की कंस्ट्रक्शन की जो वहाँ पे एक शुरू करना था घर बनाने का, उन्होंने स्टार्टिंग ले ली है, इनिशिएट ले लिया है वहाँ पर, वो जो चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी है। इन्होंने ये 4 नवम्बर को स्टार्ट किया था और आज ये December 1 हो गई है, तो जो है आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट मंथ होने वाला है। और यहाँ पे काम वगैरह जो फर्दर लोगों ने अपने घर बनाने हैं तो उसके लिए वो यहाँ पे ऑफिस जाके फर्दर डिटेल ले सकते हैं। कुछ किसी को भी प्लॉट के हवाले से कुछ सवाल पूछना हो नीचे दिए हुए सेल परचेज़ के हवाले से, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह रेगुलर हो जाएंगे वीडियोज़ के लिए भी, कोशिश करेंगे रेगुलर ही रहे वीडियोज़ के लिए, और नई वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक।